रिंकू सिंह, आवेश खान, अय्यर और भुवनेश्वर जैसे खिलाड़ी पटना में बिखेरेंगे जलवा, स्टेडियम का होगा कायाकल्प। राजधानी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी का तीसरा मैच 26 से 29 अक्टूबर तक आयोजित होने जा रहा है। इस मैच में बिहार की टीम कर्नाटक से भिड़ेगी। मुकाबले के लिए कर्नाटक की टीम 23 अक्टूबर को पटना पहुंच जाएगी। हालांकि पवेलियन की जर्जर स्थिति के कारण 24 और 25 अक्टूबर को दर्शकों के प्रवेश पर रोक रहेगी। इससे पहले पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में हुए रणजी ट्रॉफी में पवेलियन और स्टेडियम की जर्जर हालत को देख काफ़ी आलोचना का सामना करना पड़ा था। कर्नाटक की टीम में कई सितारे शामिल हैं जैसे मयंक अग्रवाल और श्रेयस अय्यर। इनके अलावा टीम में पड्डिकल, स्मरान, वी कौशिक, पांडे, जोश सटेरी, व्याशक प्रसिद्ध और इचराज भी हैं। ये सभी धुरंधर खिलाड़ी पटना के मोइनुल हक स्टेडियम में अपना जलवा बिखेरते नजर आएंगे। दूसरी ओर बिहार की रणजी टीम के कप्तान वीर प्रताप हैं और विकेट कीपर का पद विपिन सौरभ संभाल रहे हैं। रणजी ट्रॉफी की प्रतियोगिता 11 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और बिहार की टीम को पहले मैच में हरियाणा से हार का सामना करना पड़ा था। इस मैच में बिहार ने पहली पारी में 78 और दूसरी पारी में 133 रन बनाकर सभी विकेट गंवा दिए, जिससे उसे एक पारी और 43 रन से हार मिली। बिहार का दूसरा मैच कोलकाता में 22 अक्टूबर को हुआ। पटना में होने वाले इस मैच में रिंकू सिंह, वेंकटेश अय्यर, आवेश खान और भुवनेश्वर कुमार जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी अपने खेल का जौहर दिखाएंगे। यह स्टेडियम जो पिछले 55 वर्षों से क्रिकेट के कई रोमांचक मुकाबले देख चुका है, एक बार फिर इन नामी खिलाड़ियों की रफ्तार और चौकों छक्कों का गवाह बनेगा। लेकिन जर्जर पवेलियन की वजह से दर्शक खिलाड़ियों को सीधे नहीं देख सकेंगे। बिहार की रणजी टीम में एलिट ग्रुप में शामिल है, जिसका मतलब है कि उन्हें उन टीमों के खिलाफ खेलना होगा जिसमें भारतीय टीम के सदस्य भी शामिल हैं। ग्रुप सी में बिहार के साथ हरियाणा, केरला, बंगाल, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और पंजाब की टीमें हैं। बिहार के अगले मैच की तिथि 6 नवंबर है, जब वे मध्य प्रदेश से भिड़ेंगे। इस मैच के बाद बिहार की टीम का मुकाबला 23 जनवरी को उत्तर प्रदेश से होगा। कर्नाटक के खिलाफ घर में होने वाला मुकाबला विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, क्योंकि कर्नाटक की टीम में अनुभवी खिलाड़ी शामिल हैं जो मैच को रोमांचक बनाएंगे। बिहार टीम के मुख्य प्रशिक्षक अशोक कुमार हैं, जबकि कोच प्रमोद कुमार और सहायक कोच एसपी नरोत्तम हैं। फिजियो डॉक्टर कुंदन कुमार, ट्रेनर गोपाल कुमार और मैनेजर नंदन कुमार भी टीम का हिस्सा हैं। हालांकि पटना के खेल प्रेमियों को यह निराशा होगी कि वे इस बार भी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को सीधे मैदान पर नहीं देख सकेंगे। पिछले सत्र में भी कुछ दर्शक मुंबई के खिलाफ मैच के दौरान ही स्टेडियम में प्रवेश कर पाए थे। बीसीए यानी बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष राकेश तिवारी ने बताया कि मोइनुल हक स्टेडियम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने की योजना पर काम चल रहा है। इनका प्रयास है कि इसका शिलान्यास नवंबर में किया जाए। इसके साथ ही स्कोर देखने की व्यवस्था ऑनलाइन होगी, जिससे दर्शक मैच का आनंद ले सके। हालांकि दर्शक दीर्घा को सरकार ने अनुपयोगी घोषित कर दिया है। क्रिकेट प्रेमियों से अनुरोध किया गया है कि वे ऑनलाइन स्कोर के माध्यम से मैच का अनुसरण करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।